नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। मैं सुरक्षा हाजिर हूँ हरियाणा विधानसभा चुनाव की कुछ अपडेट्स को लेकर। तो चलिए चलते हैं अपडेट्स की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा आज साय 5 बजे कैबिनेट की औपचारिक बैठक बुलाई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज की बैठक में विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया जा सकता है। खबर है कालका से, जहां आज बीजेपी से उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, नामांकन से पहले रोड शो का आयोजन होगा, जिस रोड शो के जरिए वोटों की अपील की जाएगी। विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गढ़ी सांपला किलोई से नामांकन भरेंगे और सांपला एसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा कांग्रेस प्रधान उदय भान सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहेंगे। कुश्ती में दांव पेंच आजमाने के बाद अब राजनीति में दांव खेलने जा रही विनेश फोगाट आज अपने ससुराल क्षेत्र जुलाना से नामांकन भरेंगी। इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके साथ कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, अब तीसरी लिस्ट भी जारी की गई है। आपको बता दें, आप हरियाणा प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, वहीं आपकी तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कलनौर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी रेणु डाबला का नामांकन दाखिल करवाने रोहतक आएंगे। इस अवसर पर वे हिसार रोड स्थित इनविटेशन गार्डन में आयोजित हवन समारोह में भी भाग लेंगे। फिलहाल अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।